गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज़ द अर्थ मैग्नेटिज्म हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में जो कि नॉर्थ पोल से आउटवर्ड थी और साउथ के इनवर्ड थी, ये हमने स्टडी किया था और इसके साथ साथ हमने बात की थी कि जो अर्थ है बेटा ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अर्थ जो है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें नॉर्थ साउथ जो है वो मिलते हैं मतलब कहने का ये है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है शायद इस क्वेश्चन का आंसर हमें आज तक प्रॉपरली नहीं पता लग पाया है बहुत सारी थ्योरीज आई हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों है क्योंकि प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं या एक कंपास हम लेते हैं तो वो हमेशा अलाइन होती है अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और जिसके बिहाफ पे हम बोलते हैं क्या कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है तो अब बात आती है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने अर्थ मैग्नेटिज्म का नाम दिया है ये क्यों है या ये किसकी वजह से है तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको बेटा कि इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन हम शायद अभी नहीं ढूंढ पाए हैं गूगल पे भी यदि आप आंसर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे इसके कुछ फिनोमेना ये कहती हैं जैसे कि प्रोफेसर ब्रैकेट है प्रोफेसर ब्रैकेट कहता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म में बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस या अबाउट इट्स एक्सेस प्रोफेसर ब्रैकेट जो बेटा क्या कहता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिज्म है ये ड्यू टू किसकी वजह से है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस दिस इज बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फॉर ए सब्सटेंस रोटेटिंग अबाउट एंड एक्सेस इक्वलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ तो ब्रैकेट जो है प्रोफेसर वो कहता है कि जो अर्थ का जो मैकेजम है बेटा ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ है अबाउट इट्स एक्सेस और हर एक सब्सटेंस जो है वो चार्ज पार्टिकल से बना है जिसमें प्रोटॉन्स भी हैं न्यूट्रॉन्स भी हैं एंड ए सब्सटेंस रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ इक्वलेंट जब अर्थ रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो वो एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जैसा मैंने बताया आपको लेकिन फाइनली जो शायद हम थ्योरी अब कह सकते हैं उसके बिहाब पर बताया गया है क्या कि अर्थ का जो कोर है बेटा वो एक्सट्रीमली हॉट है और मोल्टन स्टेज के अंदर है द अर्थ कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड इन मोल्टन स्टेज सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकल क्या कहा मैंने बेटा सर्कुलेटिंग आयस ऑफ आयरन एंड निकल इन हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर फॉर्मिंग द करंट लूब्स एंड प्रोड्यूसिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी शायद हम मानते आए हैं कि अर्थ के इनर सरफेस में जो सर्कुलेटिंग आयन्स है बेटा किसके आयरन के निकल के वो छोटे छोटे कंडक्टिंग लूप जो फॉर्म कर रहे हैं और उन कंडक्टिंग लूब की वजह से करंट एग्जिस्ट करता है और उसी को ही मेन कारण बताया गया है किसका दैट इज अर्थ मैगनेटिज्म का सो so, सर्कुलेटिंग आयन्स ऑफ आयरन एंड निकल इन दाइली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ स्कोर फॉर्मिंग द करंट लूप्स एंड प्रोड्यूसिंग अर्थ मैकडिज्म और बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम डायनमो इफेक्ट दिस इज नोन एज डायनमो इफेक्ट जैसे हम पढ़ते हैं ए सी डाइनमो डी सी डायनमो के बारे में स्टडी करते हम तो डायनोमो के अंदर क्या होता है बेटा डायनमो में हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को डाइनो डायनमो इफेक्ट का नाम दिया गया है इसके अलावा कुछ थ्योरी कहती हैं कि अर्थ के इनर सरफेस में एक ह्यूज इमेजनरी बार मैग्नेट जो है वो है और उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ध्यान से देखेंगे सभी तो दिस इज द अर्थ और ये हमारी अर्थ बेटा जिसमें एन जी दिस इज द जोग्राफिक नॉर्थ जिसको एन जी या जी एन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ज्योग्राफिक एन डिनोट्स नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ या इस एन के पाँ में स्मॉल जी बना के आप ऐसे लिख सकते हो दिस इज जोग्राफिक साउथ दिस इज जोग्राफिक ईस्ट एंड दिस इज जोग्राफिक वेस्ट द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक ईस्ट जोग्राफिक वेस्ट एंड जोग्राफिक साउथ और जो लाइन बिटा इस एन जी और एस जी को ज्वाइन करती है दिस वन इसको बोलते हैं हम क्या जोग्राफिक एक्सेस द लाइन विच ज्वाइन जो द जोग्राफिक नॉर्थ टू जोग्राफिक साउथ डिनोट्स द जोग्राफिक एक्सेस एज वेल एज दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन ये हमारी एक्सेस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में है अब ऐसा बताया गया कि अर्थ के इनर सरफेस में एक ह्यूज इमेजनरी बार मैग्नेट है दबी हुई है कुछ इस तरह से जिसका साउथ जो है बेटा किसका इस ह्यूज इमेजनरी बार मैग्नेट का साउथ जो है वो किस तरफ है वो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और जिसका मैग्नेटिक नॉर्थ जो है बेटा वो किस तरफ है अर्थ के जोग्राफिक साउथ की तरफ अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों क्योंकि हमारे पास तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है ये वेस्ट और ये साउथ है ये हमारे पास एक्चुअल नॉर्थ साउथ है लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखा गया कंपास की हेल्प से जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि कंपास निडल जो है वो हमें एक फील्ड लाइन्स के पैटर्न को बताती है उसके बारे में और नॉर्थ से फिल्ड लाइनें आउटवर्ड होती हैं साउथ का इनवर्ड होती हैं तो जब कंपास को रखा गया इसके पास तो उसने यहाँ की बजाय यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर दिया जैसा कि हम पढ़ चुके पहले इन केस ऑफ बार मैग्नेट कि जब हम बार मैग्नेट लेते हैं जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल हैं इसके पास कंपास रखते हैं वो डिफ्लेक्शन देगी और आगे रखें वो ऐसे डिफ्लेक्शन देगी तो वो डिफ़्लेक्ट करती करती कहाँ पर आके रुक जाती है बेटा यहाँ पर आके रुक जाती है इसी तरह से सेम इधर पैटर्न मिलता है हमें कुछ इस तरह से इन दिस वे तो ये हमें एक फिल लाइन्स का पैटर्न मिलता है तो जब कंपास को रख के देखा गया तो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ के बजाय यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 वो यहाँ पर आ ना रुक के वो थोड़ा साइड में आई मतलब कम कहने का मतलब ये है कि कंपास ये कहती है कि इस नॉर्थ साउथ के अलावा एक नॉर्थ साउथ और है वो मना करती है क्या मना करती है कि नॉर्थ साउथ ये नहीं है नॉर्थ साउथ कुछ और है या कुछ अलग जगह पर है तो वो इस बात से मना करती है तो ये हमारे जोग्राफी के कन्सेप्ट की वजह से है जोग्राफिक नॉर्थ एज वेल एज जो, जोग्राफिक साउथ लेकिन साइंस जो कहता है जो हमें कंपास कहती है वो कहती है बेटा कि इस नॉर्थ साउथ के अलावा एक नॉर्थ साउथ और है वो मना करती है कि ये नहीं है और मना करने की वजह से अभी हम नाम देंगे इस एंगल को दिस इज़ द डेक्नेशन डेक्लाइन करना मैग्नेटिक डिनेशन का नाम देंगे जो कि हमारा एंगल कहलाएगा मैग्नेटिक एक्सेस एंड जोग्राफिक एक्सेस उससे पहले वापस आते हैं डायग्राम में तो ये जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ और इसके इनर सरफेस में एक ह्यूज इमेजनरी बार मैग्नेट है जिसका साउथ जो है बेटा जिसको हम मैग्नेटिक साउथ भी कह सकते हैं वो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और इसका जो नॉर्थ है जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ भी कह सकते हैं वो जोग्राफिक साउथ की तरफ है ये इस बात का मतलब है अब बच्चों यदि हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं या कंपास की बात करें हम तो क्या होगा सपोज मैं कहता हूँ ये हमारा पेन है लाइक ए कंपास या फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट और जो निडल है ये है नॉर्थ और जो पीछे का हिस्सा है बेटा ये क्या है साउथ तो जब कभी भी हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे या कंपास रखते हैं तो ध्यान से देखें जरा इसका जो नॉर्थ है ये वाला जो मैंने बताया आपको ये नॉर्थ किधर जाएगा ये इस इमेजनरी बार मैग्नेट के साउथ की तरफ जाएगा बेटा अच्छा मैं ये कहूँ ये साउथ किधर है तो आपका आंसर होगा ये जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है फिर से जब भी हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ होगा ये नॉर्थ ये किस तरफ जाएगा उस इमेजनरी बार मैग्नेट के साउथ की तरफ किसका नॉर्थ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ जा किधर रहा है इमेजनरी बार मैग्नेट के साउथ की तरफ और ये किधर है ये जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है तो हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं क्या कि इसका जो नॉर्थ होगा वो किधर जाएगा जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर नॉर्थ के पास नॉर्थ कैसे जाएगा वो तो रिपेल करेगा तो बेटा यहाँ जो है ये नॉर्थ इस साउथ के पास जा रहा है कौन सा नॉर्थ इसका नॉर्थ ये नॉर्थ जा रहा है साउथ के पास ये साउथ किधर है एन जी की तरफ है तो डायरेक्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं या हो सकता है बुक में ऐसे भी लिखा हो कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ जो, जो है वो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है अच्छा इसका साउथ किधर होगा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है और मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है ज्योग्राफिक साउथ तो हम ये बोलेंगे इसका साउथ कहाँ जाएगा ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जो मैंने डायग्राम में ये दिखा रखा है आप ये एरो शो करता है उस कंपास का या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल और पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका साउथ पोल तो वो इस डायरेक्शन में अलाइन होगी जिस डायरेक्शन में एक ह्यूज इमेजनरी बार मैग्नेट जो हमने एज्यूम की हुई है तो ये इसका मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा और ये इसका मैग्नेटिक साउथ तो कंपास कहती है कि इस नॉर्थ साउथ के अलावा एक नॉर्थ साउथ है, और हैं तो एन जी एस जी हो गया बेटा और जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज द जोग्राफिक एक्सिस एस एन या जिसको हमने एस एम और एन एम का नाम दिया मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इनको जो लाइन ज्वाइन करती है बेटा उसको हमने क्या नाम दिया दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस का नाम दिया तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो गई जो एस एन को ज्वाइन कर रही है ज्योग्राफिक एक्सिस क्या हो गई जो एन जी एस जी को ज्वाइन कर रही है और इनके बीच का जो एंगल आपको नजर आ रहा है कौन सा ये थीटा जो आपको नजर आ रहा है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे आगे इसको हम आगे नाम देंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का डेक्लाइन कर रही है कंपास क्या कह रही है कि ये नॉर्थ साउथ ना हो के ये नॉर्थ साउथ है वो मना कर रही है कि ये नहीं है और इस मना करने की वजह से ही इस थीटा को नाम देंगे आगे हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डेक्लाइन करना मना करना अब हम यहां जब यहां पर कंपास रखेंगे कि ये कंप्लीट हमारा थ्री डायमेंशनल डायग्राम है लेकिन जिसको हम डिस्प्ले यहाँ नहीं कर सकते हैं तो हमें इस तरह से डायग्राम नजर आएगा किसका कंपास का कंपास ऐसे होगी इस एग्जैक्ट पोजिशन पर और ये चलते चलते इस तरह जाएगी और इस हिस्से पर क्या हो गई पैरल हो गई और जैसे ही ये कंपास पहुंचेगी यहां पर इस जगह पर पहुंचेगी तो ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा क्योंकि डायग्राम छोटा है यदि इसको हम जूम करके कर देखेंगे एक छोटे से कंपास आपने लिया इस हिस्से पर रखा आपने तो वो ऐसे हो जाएगी इन दिस वे वर्टिकली अपवर्ड और चलते 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 यहाँ पर जब पहुँचेंगे हम तो इस जगह इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी और जैसे वो पहुँचेगी मैग्नेटिक साउथ पे तो वो एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगी तो इसका मतलब ये साउथ और नॉर्थ जो पोल हैं इस मैग्नेट के यहाँ पर देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है इनवर्ड यहाँ भी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेकिन यहाँ पर बच्चों एग्जैक्टली क्या है पैरल है तो ये बात आपको याद रखनी है इसको भी हम आगे जरा इस पर भी हम बात करेंगे तो यहां एग्जैक्ट ऐसे है यहां एग्जैक्ट ऐसे है और यहां एग्जैक्टली इस तरह से हो जाएगी ये इसका मतलब हो गया नाउ यहां से ये यह जो लाइन जो आपको नजर आ रही है इसको हमने ज्योग्राफिक इक्वेटर का नाम दिया है एक इक्वेटर जो क्या कर रहा है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जी एन एच ज्योग्राफिक नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड जी एस एच ज्योग्राफिक साउदर्न हेमिसफियर तो दिस इज द ज्योग्राफिक इक्वेटर और इसी तरह से एक इक्वेटर हमने ये लिया जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है किसको एस और एन एंड दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर तो एक ज्योग्राफिक इक्वेटर है बच्चों एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया तो यहां से हमारे पास तो ये हमारा कंपास का डिफ्लेक्शन हो गया या एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का हो गया यहां से नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिक मेरिडन अब ज्योग्राफिक मेरिडन बच्चों हमने किसको नाम दिया तो आंसर है ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी एन जी एंड एस जी ये हमें जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें दिस वन इज़ एन जी एंड दिस वन इज एस जी इस हाथ को मैंने ऐसे कर दिया ये हाथ हॉरिजॉन्टल है बेटा और ये एग्जैक्ट क्या है वर्टिकल है तो इसको हमने क्या नाम दिया कुछ इस तरह का एक वर्टिकल प्लेन है जो कि एन जी और एस जी से पास हो रहा है और इसके अंदर क्या है इट कॉन्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो वर्टिकल तो प्लेन लिया इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन एक वर्टिकल प्लेन जो एन जी और एस जी से पास हो रहा है एंड कॉन्टेनिंग एक्सिस ऑफ अर्थ डिनोट्स द जोग्राफिक मैरिडन उसको हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन का नाम दिया है एंड मैग्नेटिक मैरिडन एन इमेजनरी प्लेन पासिंग फ्रॉम एस एंड एन एंड कॉन्टेन मैग्नेटिक एक्सिस यहां पर जो प्लेन होगा कौन सा प्लेन जो इससे पास हो रहा है साउथ और ये नॉर्थ किसका इस मैग्नेट का उसको बेटा हमने नाम दिया किसका दैट इज ए मैगनेटिक का नाम दिया एंड कॉन्टेनिंग मैग्नेटिक एक्सेस अब बच्चों फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट क्या होती है हम बात तो कर रहे हैं लेकिन ये होती क्या है तो आंसर है ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज दैट विच कैन रोटेट इन हॉर्जेंटल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन क्या मतलब इस बात का ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज दैट विच कैन रोटेट इन हॉर्जेंटल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन जैसे आप रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी सीलिंग पे रूम की जो सीलिंग है वहाँ पर एक फैन लगा हुआ है वो कैसे घूम रहा है सीलिंग फैन जो हमारा होता है दैट इज रोटेट्स हॉर्जेंटली लेकिन यदि आपने एक छोटा फैन जो है वो वाल पर माउंटेड किया हुआ है साइड में किचन वगैरह के अंदर तो वो कैसे घूमता है रोटेट्स वर्टिकली तो इसका मतलब सीलिंग वाला हॉर्जेंटली घूम रहा है और जो दीवार पे हमने साइड में लगाया हुआ है दैट इज रोटेट्स वर्टिकली तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं यहाँ है ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज दैट विच कैन रोटेट इन हॉर्जेंटल एज वेल एज इन वर्टिकल अब बच्चों अर्थ लगातार क्या कर रही है रोटेट कर रही है तो अर्थ रोटेट कर रही है तो हम जब कंपास को पुट करते हैं तो उसमें भी हमें स्लाइटली चेंज मिलता है जो कुछ इस तरह से मिलता है आइधर इन दिस वे और इन दिस वे कंपास जो या तो इस तरह से मिलती बेटा हमें या कुछ इस तरह से मिलती है हमें डायग्राम हो सकता है जो बुक में हो सकता है किसी बुक में ये मैग्नेट इधर ना दिखा के स्लाइटली इधर दिखा रखी हो नो मैटर यह जो एंगल होता है अप्रोक्सीमेट हमारा इलेवन पॉइंटिंग फोर फाइव डिग्री के आसपास वैल्यू बताई गई इसकी तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या बच्चों ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है या साइड में स्लाइटली कुछ इस तरह से भी दिखा रखा हो सकता है आपको तो यहां पर देख सकते हैं हम ये जो हमारा एंगल है दैट इज थीटा जिसको हमने अभी नाम दिया किसका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का नाम दिया था मे बी जो भी दे आपको दे रखा है थीटा इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ का ईस्ट या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ का वेस्ट इन दिस वे सो इीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइन विद इट्स नॉर्थ पोल अप्रोक्सीमेटली टुअर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ मैंने अभी बताया था आपको क्या कि जो इमेजनरी बार मैग्नेट है बेटा उसका साउथ किधर है उसका साउथ जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और जब हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो किधर जाएगा मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक साउथ किधर है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है सो so, डायरेक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि उसका नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा एंड इट्स साउथ पोल अप्रोक्सीमेटली टार्ड्स ए जोग्राफिक साउथ ये हमारा एक डायग्राम है छोटा सा जिसके बिहाफ पे हमने बात की किसके बारे में बेटा हमने बात की है जोग्राफिक नॉर्थ जोग्राफिक साउथ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ फील्ड लाइनें जो होंगी वो आउटवर्ड होंगी इस नॉर्थ से और इनवर्ड होंगी कहाँ साउथ पे यहाँ पर एग्जैक्टली जो पैटर्न मिलेगा हमें फील्ड्स का कुछ ऐसे मिलता है आउटवर्ड एग्जैक्टली इस जगह एग्जैक्टली इनवर्ड है और यहाँ कहीं बीच में कुछ ऐसे मतलब ये जब हम कंपास रखते हैं यहाँ तो उसमें मूवमेंट होता है इन दिस वे इस तरह से और चलते 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 यहां पर कुछ ऐसे सरफेस और उसके बाद यहां इस तरह से और ये हमारा ज्योग्राफिक इक्वेटर है एंड दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर जो कि त्रिवेंद्रमपुरम से पास होता है अब हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स बेटा हमने किसको नाम दिया है जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए सेम उसी तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वी रिक्वायर सम एलिमेंट्स विच आर नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट्स सो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस आर द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस क्योंकि प्लेस टू प्लेस जो है फील्ड ये वेरी करता है बेटा तो किसी जगह पर हम बोल सकते हैं क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली स्पेसिफाई करती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ उसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक एलिमेंट्स का नाम दिया फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिनेशन सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप एंड थर्ड वन इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वन बाय वन हम बात करते हैं तीनों हमारे किस तरह से होंगे तो इसके लिए बेटा हमने एक कंपास जो कि हमेशा अलाइन होती है रेजलडेंट फील्ड की डायरेक्शन में मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि जो कम्पास होती है बेटा या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है वो हमेशा रेजलेंट फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगी कम्पास होगी इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है और उस डिफ्लैक्टिंग टॉर्क से पहले तो ये रोटेट करती है और उसके बाद स्लाइटली नीचे की तरफ ये बैंड हो जाती है क्या बताया मैंने इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करता है ए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन नीडल सो फर्स्ट इट विल रोटेट इन मैग्नेटिक मैरिडन ये मैग्नेटिक मैरिडन पहले रोटेट करती है हॉर्जेंटली एंड देन स्लाइटली बैंड और ये फिर नीचे की तरफ झुक जाती है झुक जाना नमन करना एक तरह से इन द डायरेक्शन ऑफ रेज फील्ड जो कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह से तो बट इस डायग्राम में दिस इज द मैग्नेटिक मैरिडन और ये हमने एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट जो है कंसिडर की है जो अभी कुछ इस तरह से आपको नजर आ रही है एंड दिस इज द जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ तो यहां से ये जो एंगल है बेटा ये एंगल किसके बीच में है तो आंसर है दिस इज द रेजल्डेंट फील्ड स्ट्रेंथ एंड दिस इज द हॉर्जेंटल लाइन दिस इज द वर्टिकल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मैरेटिन तो ये हॉर्जेंटल ये वर्टिकल और ये है फाइनल फील्ड इंटेंसिटी फाइनल रेजलडेंट जो है वह हो गया अब आप इसको सिंपल वैक्टर एल्जरा के बिहा पे सोल्व कर सकते हैं यदि इस रेजिलेंट को मैं आर या बी का नाम दूँ एक चीज़ और बेचो किसी बुक में इसको आर से लिखा गया है किसी बुक में इसको बी से लिखा गया है वो अपना अपना एक सिंबल है जो आप मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं तो दिस रेजेंट फील्ड इज मे बी बी और आर एंड दिस इज द एच होरिजेंटल लाइन जिसको आप एच लिख सकते हैं या इसको बी एच भी लिख सकते हैं दिस इज द वर्टिकल वी इसको वी लिखें या इसको बी वी लिखें मैं आपसे कहूँ बेटा इस आर को रिजोल्व करो इस तरफ इस आर का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा आर कोस डेल्टा या इस बी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बी कोस डेल्टा मीनिंग दोनों का सेम है करना केवल एक है और इसी आर का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बेटा आर साइन डेल्टा या बी ई वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा तो इस पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉक लगेगा जिससे ये मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगी और उसके बाद स्लाइटली बेंड हो जाती है झुक जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ रजलैंड फील्ड तो so फर्स्ट हमने बात कर ली है दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो अभी हम बात कर चुके थे कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो बेटा ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इनक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप इसको मैग्नेटिक डिप भी हम बोलते हैं जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉर्जेंटल लाइन इन मैग्नेटिक मैरिडिन क्या मतलब इसमें ये बेटा डायरेक्शन किसकी है रेजिडेंट फील्ड स्ट्रेंथ की ये क्या है मैग्नेटिक मैरिडिन की हॉर्जेंटल लाइन ये क्या है मैग्नेटिक मैरिडिन की वर्टिकल लाइन तो ये रेजिडेंट फील्ड स्ट्रेंथ इस हॉर्जेंटल के साथ जो एंगल बनाएगी बेटा उसको हमने नाम दिया है मैग्नेटिक डिप का नाम दिया है तो ये जो आर है ये इस एच के साथ जो एंगल माना रहा है डेल्टा दिस इज ना दिस इज द मैग्नेटिक डिप मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉर्जेंटल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडर एंड थर्ड थर्ड वन इज हॉर्जेंटल कंपोनेंट तो ये इसका तीसरा एलिमेंट है दैट इज हॉर्जेंटल कंपोनेंट अभी अभी हमने बात की है कि जो आर आया वो रेजिटेंटल फील्ड था अब यदि हम उस आर को रिजोल्व करते हैं एच की तरफ तो आया आर कोस डेल्टा और वी की तरफ आर साइन डेल्टा और ये जो एच इक्वल टू आर कोस डेल्टा है बेटा इसी को ही हमने क्या नाम दिया बच्चों हॉरिजेंटल कंपोनेंट इट इज कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द दॉरिजेंटल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉर्जेंटल डायरेक्शन में टोटल फिल स्ट्रेंथ का जो कंपोनेंट होगा उसी को ही हमने हॉर्जेंटल कंपोनेंट का नाम दिया है जो कि एच बराबर आर कोस डेल्टा होगा तो ये हमारे कहलाते हैं थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स नाउ वी हैव सम कैलकुलेशंस एच इक्वल टू आर कोस डेल्टा वी इक्वल टू आर साइन डेल्टा ऐसे लिख दें या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी एच इक्वल टू बी कोस डेल्टा एंड बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा यदि बच्चों दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे हम तो क्या आएगा एच स्क्यर प्लस वी स्क्यर इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्र डेल्टा प्लस आर स्क्यर साइंस स्क्र डेल्टा और आर स्क्यर कॉमन ले अंदर आ जाएगा वन देन आर इक्वल टू एच स्क्र प्लस वी स्क्वेयर का अंडर रूट और वी कैन से बी इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर और उस सारे का अंडर रूट मीनिंग दोनों का सेम होगा ये रिजल्ट बेटा हमें आगे भी यूज करने होंगे ई एम आई के अंदर इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे वहां में डिवाइडिंग यदि कर देते हैं हम फर्स्ट और सेकंड को इन दोनों को तो हमें मिलता है आर साइन डेल्टा अपॉन आर कोस डेल्टा इक्वल टू वी बाई एच और वी कैन से टेन डेल्टा इक्वल टू वी बाई एच या टेन डेल्टा इक्वल टू बी वी अपोन बी एच तो बेटा ई एम आई में हमें क्वेश्चन मिलेंगे कि प्लेन जो है वो उड़ रहा है किस तरफ जा रहा है वो हमें गिवन होगा और उसके जो विंग्स हैं जो उसके एक तरह से जो पंख हो गए उनके बीच के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछेगा और वहां पर हॉर्जेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट के बिहाफ पे ही हम उन नोमरिकल्स को सोल्व करते हैं तो वहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वहां भी यूज होगा हमारा तो दिस इज द एच एंड वी का मल्टीप सॉरी स्क्वेयर करके ऐड किया हमने और एक बार डिवाइड कर दिया तो ये हमें रिजल्ट मिलते हैं अब बच्चों फिर से हमने डायग्राम लिया वही इस जगह जो कि एन है और ये एस है यहाँ पर जब हम कंपास को रखते तो एग्जैक्टली exactly ऐसे मिलती है 90 डिग्री एंगल पे और जब हम चलते चलते यहाँ पहुँचते इस जगह पर पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली exactly कैसे होती है वो पैरल टू द सर्फेस ऑफ अर्थ यहाँ क्या होगी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ डोट है यहाँ भी क्या होगी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एट ए प्लेस ऑन मैग्नेटिक पोल्स ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं यहाँ पर यहाँ पर बच्चों डेल्टा की वैल्यू कितनी बेटा है नाइन्टी डिग्री और जब इस डेल्टा को 90 पुट करते हैं इन दोनों में हम यहाँ भी और यहाँ भी तो एच क्या आएगा जीरो वी क्या आएगा और इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स पे एच जो है वो जीरो है लेकिन वी एग्जिस्ट करेगा ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एट पोल्स विल स्टैंड वर्टिकली तो आपसे कहा जाए क्या कि पोल पे बताएं वी और एच कितना होगा तो वी तो होगा लेकिन एच जीरो होगा सिमिलरली एट ए प्लेस ऑन इक्वेटर जैसा कि बताया मैंने अभी आपको इक्वेटर मतलब यहां इस जगह पर यहां से कुछ ऐसे पैटर्न हैं यहां पर कुछ ऐसे पैटर्न लेकिन यहाँ पर पैटर्न हमें कुछ ऐसे मिलता है पैरल इस तरह से तो यहाँ पर डेल्टा जीरो होगा इक्वेटर पे एट ए प्लेस ऑन इक्वेटर डेल्टा जीरो सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरल टू दिस सर्फेस ऑफ अर्थ और जब डेल्टा जीरो है बेटा तो उस जीरो को हम यहाँ भी रखें और यहाँ भी रखें तो इससे हमें क्या पता लगेगा बच्चों एच इक्वल टू आर एंड वी इक्वल टू ज़ीरो मतलब इक्वेटर पे हॉर्जेंटल कंपोनेंट तो होगा लेकिन वर्टिकल ज़ीरो होगा ए फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट एट इक्वेटर विल स्टैंडली तो यह हमारे पास रिजल्ट है तो यहां से बेटा यदि हमें डेल्टा वी और एच में से कोई भी दो गीवन है तो तीसरे की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अलावा हमारा अपेरेंट डिप का भी कॉन्सेप्ट है वह भी हम आगे स्टडी करेंगे फिलहाल दिस इज द ट्रू डिप एज वेल एज अपरेंट डिप ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन